हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। वैज्ञानिक जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वो अनंत खाली जगह पे तो हजारों लाखों तारे चमक रहे हैं। हम रात को अंतरिक्ष में जो तारे देखते हैं वो सब एक सूर्य है। उसमें से अनेक तारे हमारे सूर्य से 10 गुना बड़े हैं, कितने उससे भी ज्यादा, कितने 3 गुना और कितने 4 गुना बड़े हैं। हमारा सूर्य बहुत छोटा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट फैक्ट्स में। आज हम सूर्य का जन्म किस तरह होता है वो जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि सब तारे इतना ईंधन लेके जन्म कहाँ लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में दूर दूर तक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस का तूफान घूम रहा है। ये हाइड्रोजन गैस तारों के मृत्यु के बाद अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। फिर हाइड्रोजन गैस का तूफान अंतरिक्ष में चारों ओर घूमता होगा। पहले हम तारों के जन्म की बात समझ लेते हैं। जहाँ ये हाइड्रोजन गैस के बादल ज़्यादा मात्रा में घूम रहे हैं उस जगह को नेब्यूला कहते हैं। हम उसे उस तारे का गर्भाशय कह सकते हैं। नेब्यूला में हाइड्रोजन गैस का तूफान इतना बढ़ जाता है कि उसके दबाव के कारण हाइड्रोजन गैस गेंद में तब्दील हो जाता है और वो तारे में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के कारण गुरुत्वाकर्षण का जन्म होता है। उसके आसपास घूम रहे हाइड्रोजन को वो गेंद अपनी ओर खींचती है और उसके कारण एक समय ऐसा आता है कि वो एक बड़ी गेंद में तब्दील होने लगता है। फिर उसके अतिशय दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम बनने लगते हैं और हीलियम परमाणु में शामिल होकर कार्बन और ऑक्सीजन बनते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में शामिल होने से प्रचंड शक्ति की वजह बनती है और उसके आसपास के परमाणु जल उठते हैं और उसके तुरंत बाद हाइड्रोजन की गेंद में भयंकर ज्वालामुखी भड़क उठता है। तब तारे का जन्म होता है। उसके आसपास के हाइड्रोजन को खींचने की प्रक्रिया चलती रहती है। हाइड्रोजन की कुछ गेंद तारों के आसपास अलग गेंद बनने लगती है और वो तारे से ग्रह का जन्म होता है। इस तरह तारा और तारामंडल का जन्म होता है। अब हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन कहाँ से आता है। वो तारे के मृत्यु से अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे हाइड्रोजन कम मात्रा में जलने के कारण वो 1,000 करोड़ साल तक चमकते रहते हैं। जितने बड़े तारे होते हैं उसे हाइड्रोजन सैकड़ों गुना ज़्यादा जलता रहेगा। फिर उसमें हाइड्रोजन कम होने लगता है, उसका गुरुत्वाकर्षण कम होने लगता है। इस तरह वो बड़ा होने लगता है। उसके बड़े होने के साथ हाइड्रोजन की जलने की प्रक्रिया अनेक गुना ज़्यादा होने लगती है। ऐसा होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो तारा हाइड्रोजन को जकड़ के नहीं रख सकता। तब उसमें अब्बाजो अणु बम के जैसा विस्फोट होता है। उसमें मौजूद हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चारों ओर फेंक दिया जाता है और उसमें नेब्यूला बनने की शुरुआत होती है। हमारे सूर्य के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर या 9,29,60,000 किलोमीटर है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.17 सेकंड या 8.3 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जीव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जल वायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य एक G2V टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है। सूर्य प्लाज्मा का बना है और ठोस नहीं है और सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,800 केल्विन है और उसकी कोर या कोरोना का तापमान 15.7 करोड़ केल्विन है। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जा सकता है। कोरोना का तापमान उसके सतह से ज्यादा होने के कारण ही नासा ने उसकी पढ़ाई के लिए अगस्त 12, 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। सूर्य की आयु का अनुमान लगाया जाता है कि वो 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।